नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आपको आलू बैंगन बनाना सिखाती हूँ। आलू बैंगन तो सभी बनाते हैं, ये मेरा तरीका है आलू बैंगन बनाने का। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। 300 ग्राम के लगभग बैंगन है, दो मीडियम कटे हुए आलू, काले चने भिगोए हुए, एक बड़ा टमाटर, लहसुन कूटा हुआ या पिसा हुआ, हरी मिर्च, एक मीडियम प्याज, धनिया पत्ता, तेल, पकाने के लिए पानी, मसालों में फ़ोरन के लिए 5 फ़ोरन, धनिया, नमक, हल्दी, मिर्च और एंड में कस्तूरी मेथी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तेल डालती हूँ कढ़ाई में, 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और इसे गर्म होने के इंतज़ार करते हैं। चलिए चेक करते हैं गर्म हुआ नहीं हुआ। हो गया दोस्तों। अब मैं इसमें 1 चम्मच 5 फोरन डालूंगी। फोरन हो गया, अब मैं इसमें प्याज डालती हूँ। प्याज के होने तक हम इसे भूनेंगे। चलिए प्याज हो गया, अब मैं इसमें आलू डालूंगी। इसमें एक एक करके सारे मसाले डालेंगे। लहसुन और मिर्च, मैं सूखे मसाले डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च, अगर तेज खाते तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आधे से कम हल्दी, 1 चम्मच नमक और हम इसे मिक्स करते हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। देखते हैं कि लहसुन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है और टमाटर। अब हम काले चने ऐड करते हैं और उसे ढककर मसाला भूनने का पकाते हैं। चलिए चेक करते हैं। मसाले भुन गए, कढ़ाई में तेल छूट गया चारों तरफ और हमारे टमाटर भी लगभग गल गए। आप सोच रहे आलू बैंगन के साथ काले चने का क्या कॉम्बिनेशन है। दोस्तों मेरे गाँव में मेरी दादी, नानी, मेरी मम्मी आलू बैंगन के साथ चना या मूंग की या किसी भी दाल की बढ़िया ज़रूर डालती थी। मेरे पास अभी बढ़िया है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ काले चने को डाल के आपको दिखा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, काले चने की वजह से उनका स्वाद और बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम इस टाइम बैंगन ऐड करते हैं। और इसे
चलाते हुए मिला लेते हैं इसके साथ। ऐसे ही इसे एक से दो मिनट भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। चलिए भूनते हुए मैंने एक से दो मिनट हो गया, अब मैं इसमें पानी डालती हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी सूखी नहीं बनती, ये ना सूखी बनती है और ना ज़्यादा तरी वाली, ये लटपटा सा बनता है सब्ज़ी। तो ये मैंने पानी डाल दिया, अब मैं इसे आँच धीमा करके और आलू और बैंगनों के गलने तक पकाऊंगी। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। अब ये हो चुके हैं, ये देखिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल तरी कम हो जाएगा, तो इस स्टेज में मैं धनिया पत्ता डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। तो अब हम इसे बंद करते हैं, हो चुके हैं और इसे सर्व करने के लिए अब तैयार है, और इसे हम सर्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ना तो ये तरी ज़्यादा है और ना ही सूखी हुई है, ये लटपटी सी बनती है, इसे आप बनाइएगा ज़रूर। तो मैं सर्व करती हूँ, तो मैंने इसे सर्व कर दिया। ये आप रोटी, चावल, पराठा, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ या सिंपल चावल के साथ आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये आलू बैंगन और को काले चने के साथ कैसा लगा, बताइएगा ज़रूर दोस्तों, ताकि मैं आपको और अलग अलग तरह की रेसिपी दिखाती रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।